हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है सबके? मैं हूं आपका दोस्त स्वप्निल और लेकर आया हूं आपके लिए करियर मोड सीरीज में एक और नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि फाइनली हमें वो चीज मिलने वाली है आज के दिन में, जो चीज का हमने बहुत टाइम पहले से इंतजार किया हुआ है, वो है करियर मोड में हमारा डेब्यू होने जा रहा है। कहाँ पर? रणजी ट्रॉफी में। ये रहा देखिए वो, यू सीम टू हैव कॉट एन आई फॉर मुंबई फॉर द इंडियन वन डे शील्ड, यू वॉन्ट टू साइन द डॉटेड लाइन, आई वॉन्ट टू साइन द डॉटेड लाइन, हमने एक्सेप्ट कर लिया। ये मैच खेलने के बाद हमारा मुंबई का मैच होने वाला है। जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पर हमेशा सब्सक्राइबर गोल रहता है, हर महीने का 100 सब्सक्राइबर का गोल रखा है, बिकॉज हम एक नए चैनल है। फेब्रुवरी महीने में बहुत ठंडा सा रिस्पॉन्स रहा है हमारे चैनल पर, ट्राई करेंगे कि गोल्ड मेडल ले पाए इस ट्रेनिंग में। चलिए देखते हैं क्या हम लोग गोल्ड मेडल ले पाते। तीन प्लेट्स लगे, आई थिंक 30 किलो से हम लोग उठा रहे वजन पर। यहाँ पर तीन अलग अलग प्लेट्स लगे हुए हैं, नहीं 30 भी नहीं, ज्यादा है 25। ए, क्या हो गया? हो जा भाई, हो जा। अरे सिल्वर मेडल मिला फिर से, 15 से अटैक बढ़ गया हमारा। तो चलिए अभी चलते आगे गेम पर। स्पॉन्सरशिप ऑफर मिली हमें, बूस्ट एपी इक्विपमेंट स्पॉन्सर है, बूस्ट एपी अर्न थ्रू गेम प्ले, बूस्ट एपी अर्न थ्रू जिम 5%, और एथोस मिल रहा है बूस्ट एपी अर्न थ्रू नेट प्रैक्टिस। नेट प्रैक्टिस तो हम लोग नहीं करते, हम लोग जिम एक करते हैं और एक हम लोग करते हैं बूस्ट एपी अर्न थ्रू गेम प्ले। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होने वाला है हमारे लिए वो होगा कि ये जिम कॉर्पोरेट एंडोर्समेंट मोनी बैंक का ले ले। एक और स्पॉन्सरशिप ऑफर है, अरे वाह दो स्पॉन्सरशिप ऑफर आए हैं। बूस्ट रिकवरी इंजुरी इन फटीक 10%, हॉट डॉग वॉर्ड बोलता है एपीएन थ्रू नेट प्रैक्टिस और एपीएन थ्रू गेम प्ले। तो मेरे हिसाब से गेम प्ले रखते हैं। दो स्पॉन्सरशिप ऑफर मिल गए हमें यहाँ पर। अब तक हमारे पास स्पॉन्सर हो गए हैं, इक्विपमेंट के स्पॉन्सर हो गए हैं, कॉर्पोरेट स्पॉन्सर हो गए, और टेक एंडोर्समेंट का स्पॉन्सर नहीं आया अभी तक। तो इक्विपमेंट और कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप हमने ली, और चलिए अब चलते हैं सीधे गेम पर। अब कोई भी एक और स्पॉन्सरशिप ऑफर, वाह भाई, अब दोनों में से एक चॉइस करना है। आई थिंक द बेस्ट वुड बी दिस, फटीग वाला कर ले हम लोग, और हमारी टीम चल रही है थर्ड नंबर पे। आज का गेम जीत के शायद हम लोग आ जाए और ऊपर। एक और स्पॉन्सरशिप ऑफर, जेनिथ बोलता है नेट प्रैक्टिस वाला भी ले लो। ठीक है, ले लेते, क्या फर्क पड़ता है, हम सब ले लेते जितना भी स्पॉन्सरशिप ऑफर दो हमें। तीन यहाँ पर, एक टकला भाग रहा है, खान भाग रहा है, टकला हमारे टीम का ही टकला है ये भी। सबसे ऊपर कैप्टन खड़ा है जिसने तहलका मचा रखा है जब से कैप्टनसी मिली है उसको, बैटिंग में जब से फर्स्ट आया है वो। ड्यू ने टेल्स बॉल किया हुआ है और आया है हेड्स। क्या करना चाहिए आज, मैं बॉलिंग करता हूँ पहले और टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे हम लोग। Maybe they can see something we don't, but they'll want to be right about that or the bowlers could be set for a long day. क्योंकि ये होम ग्राउंड है तो मुझे पता है यहाँ पर कैसे मतलब खेलना होता है। वानखेड़े में जनरली लोग पसंद करते हैं कि चेस करे, और ये देखिए एक मास्टर स्ट्रोक ऑफ डिसीजन अब तक ठहरा है हमारा। 29 ओवर्स के बाद मुझे बॉलिंग मिली, पता नहीं क्यों ऐसे होता है, जबकि सिलेक्शन मुझे होना चाहिए करने कि मैं किसको बॉलिंग दूँ किसको नहीं दूँ, वो नहीं हो रहा है मेरे साथ में। 45 मैचेस में 63 विकेट से अब तक हम लोग ने उस टाइम से काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है, और आज हम लोग नए परफॉर्मेंस के लिए रेडी है देने के लिए। पहला बॉल आ रहा है हमारा, और गलत बॉल डाल दिया पहले ही, गलत बॉल के साथ पहला रन देते हुए। There'll be one run here for them. Good running, just finding the gap, and that allows for rotation of the strike and keeps the pressure on the bowlers. फिर एक बार लेग साइड पर बॉल खेलने दिया उसे, और सिंगल ही मिलेगा, ज्यादा तो नहीं मिल पाएगा। और ये अब यहाँ पे थ्रो कर रहे, इसको लंबा थ्रो करने का बहुत शौक है, हर बॉल खेल खेलते ही भाग जा रहे, खेलते खेलते ही भाग जा रहे। ऐसे कैसे चलेगा अगर ये लोग भागते रहेंगे तो मेरे को भागना पड़ेगा यहाँ से। क्या अब गोल्डन, और पहला विकेट मिलते हुए, इनसाइड एज लगी बॉल और सीधे विकेट जाते हुए, ये थोड़ा रिप्ले। बॉलिंग, सीधे हाथ में
बीबी ने ट्राई किया बॉल मारने के लिए रन के लिए, लेकिन बीबी को रन नहीं मिला। ट्राई करेंगे कि किसी को भी रन ना दे ज्यादा हम लोग। ओए बच गया यार सनी, हम पे क्यों नहीं जाता मेरा यॉर्कर बॉल। Got them trying to drive, but messing everything up. अब स्टंप पे गया तो उसको खोद के निकाल दिया। आउट आउट है शायद ये, या आउट है मेरे को लगता है, क्लियर आउट है, यस आउट है। हमारे ओवर में एक रन आउट भी आ गया, यानी टेक्निकली बिना कुछ किए दूसरे विकेट आ गए। अबे यार क्या बॉलिंग हो रही है यार, मजे आ रहे हैं मुझे बॉलिंग करने। How's that? Huge appeal. ये अंपायर कब आउट देना सीखेंगे यार? Got to get the new batter. एक मुझे लगता है अभी दोनों मतलब एक बैट्समैन बचा है और उसके बाद सब बॉलर्स ही बचे, तो अगर एक विकेट हम जल्दी ले पाए तो बहुत बढ़िया होगा। अब इधर थ्रो करना, अब इधर क्यों नहीं थ्रो किया? तो चार ओवर में 15 रन इज नॉट अ बैड स्कोर एट ऑल जो हमने दिए अब तक किसी भी लाइन में, मतलब किसी भी बोल्ड एम। ये मिले दूसरे विकेट, यॉर्कर मिडल स्टंप बाहर, सीधे खोद के निकाला मिडल स्टंप को बाहर, गड्ढे से पैड को लग के गई बॉल स्टंप पर। इसी यॉर्कर का प्रयास कर रहा था मैं और एक बार फिर सेट बैट्समैन को आउट करते हुए, ये आदत सी पड़ गई है हमें सेट बैट्समैन को आउट करने की। हर बार सेट बैट्समैन को आउट करते हम लोग, इसके पहले और एक विकेट मिल सकती थी। ओ भाई मारो मुझे, तो इन्हें सिंगल मिला। अबे कहां थ्रो कर रहा है अभी, क्या यार ये क्या फालतू गिरी है? ए यार मारो मुझे मारो, विकेट्स के मामले में थोड़ा ग्रीडी हो जाता हूँ मैं, बाकी तो ठीक है सब कुछ, विकेट्स और रन्स के मामले में बड़ा ग्रीडी हूँ। बाबा रे पांडे भैया उठा के खेलने में कोशिश में मिस कर गए। टाइमिंग इट एट ऑल, इट्स पुअर प्ले। गोल्डन ये चाहिए था मुझे, पांडे भैया शान पत्ती करने में फिर से एक बार मिडल स्टंप अपरूटेड, तीसरी विकेट मिलते हुए यहाँ पर पांडे भैया शान पत्ती करने गए, इनसाइड एज लगी और सीधे बोल्ड हो गए। And with that wicket, we'll see a change out in the middle. King, who's first arre, yaar, is getting themselves settled. Test match wali bhai, fielding bhi nahi rakh sakta test match wali. Main to rakh sakta hu kya fielding test match wali? Low balance hi hai kya? Low balance, low defense, power play wali hai. The captain has changed things around in the field. कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता हमको। ओ भाई मारो मुझे मारो, जब एज लगी थी तो कोई फील्डर नहीं था, जब एज नहीं लग रही तो फील्डर रखा हूँ मैंने, मतलब एज लगने के लिए फील्डर रखा ऑब्वियसली, बट देखता हूँ कितना लगता है। ओ भाई फिर उठा के मारने की कोशिश, अपने आप को बड़ा बल्लेबाज समझते हुए यहाँ पर। आखिरी गेंद आ रही है मेरे ओवर की, हाउस दैट ह्यूज शाउट। क्या मुझे मिलेगी चौथी विकेट? 48वां ओवर डालने आऊंगा मैं, उसी फील्ड के साथ डालूंगा। बहुत जोर से मारने जा रहा था लेकिन आउटसाइड एज लग के करियर खत्म हो गया बेचारे का, जो अपने आप को कब से बल्लेबाज समझ रहा था, आखिरकार उसको हमने आउट कर ही दिया। ये रहा उनका स्कोर का टॉप स्कोरर 57 इज अनर्घ्य, और विकेटों में कौन भाई, कौन कौन बताओ कौन है विकेटों में? हमारा प्लेयर है, हम 4 for 29 ऑफ 8.1 ओवर्स, 3.55 की इकोनॉमी। आई थिंक बहुत बढ़िया रहा हमारा,
एक्स्ट्रास दो डाले कब डाले मेरे को तो नहीं पता मैंने हाँ लेग बाय गए होंगे मेरे ओवर में शायद will be keen to knock off these runs और अब हमारी बैटिंग आने वाली है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए मैच को जीत के मैं रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए if they're to make it interesting ज्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं 50 ओवर में आराम से खेल सकते हम लोग पहला बॉल तो हमेशा कवर ड्राइव ही मानना नॉट कवर ड्राइव अपना स्क्वायर ड्राइव ही मानना चाहिए बाउंड्री के लिए ये एक रिचुअल सा बन गया पहले बॉल पे स्क्वायर ड्राइव और बाउंड्री एक और स्क्वायर ड्राइव एक और बाउंड्री दो बॉल पर दो बाउंड्रियां मार चुके हम लोग तो गाइज अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक किया करो शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ में और कमेंट किया करो वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगता है मैं हमेशा बोलते रहता हूँ लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बंदा है जो मेरा लॉयल मेरे लॉयल भाई का एक का ही मेरे को हरदम कमेंट्स आता है कमेंट भर देता है वो पूरा कमेंट सेक्शन मेरा उसके व्यूज से उसी तरीके से आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियोज देखा करो मेरे लाइक शेयर किया करो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में और कमेंट किया करो बेस्ट पार्ट कौन सा लगता है वीडियो में से और लाइक उनको प्रेस करना मत भूलना ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इनबॉक्स में मिलते रहे क्योंकि आपका भाई हर रोज़ वीडियोस डालते ही रहता है चैनल पर विदाउट फेल और कोई कुछ नहीं बोलने वाला इधर शाबाश एक रन और मिलते हुए 11 रन हो चुके अब तक इस ओवर में Coombs, the pace bowler, मंदीप कूम्स आ चुके हैं ये पेस बॉलर है या मीडियम पेसर है मेरे को नहीं समझ रहे चल जाएगा अभी पता जब वो पहला बॉल डालेगा ये तो सस्ता ब्रॉड है भाई सस्ता ब्रॉड आए लाए ड्यू का सस्ता ब्रॉड देगी बाउंड्री रिचुअल कंप्लीट पहले बॉल पे स्क्वायर ड्राइव देखते हैं अब क्या बॉल डालते हैं इनसाइड एज लगी सिंगल मिलेगा भाई संभल के खेल यार जल्दी आउट नहीं होना अपने को एक अच्छे क्या बोलते हैं उसको एक अच्छे स्कोर के साथ अपने को जाना है रणजी ट्रॉफी में ताकि फ्रिंज मेंबर से रेगुलर मेंबर बनने में ज्यादा टाइम ना लगे हमें समझा किंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड 11 रन देकर किंग भाई साहब आ चुके हैं और आर्यन खान एकदम आराम से खेलते हुए और ये रिचुअल कंप्लीट करवाते हुए किंग पहले बॉल पर स्क्वायर ड्राइव करवाने का हमसे इतना डेंजरस खेलने के बाद भी हम 19 रन पे पहुंच चुके हैं 7 गेंदे खेल के सिर्फ एक और कवर ड्राइव इस बार ज्यादा अच्छे से टाइमिंग नहीं हुआ क्या बाउंड्री मिलेगी और बाउंड्री पे पहुंच गया है एक और बाउंड्री मिलते हुए यहाँ पर तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है मेरे वीडियो में मेरी बॉलिंग बैटिंग कुछ भी पसंद आ रही है तो आप रेटिंग भी दे सकते हो आउट ऑफ 7 वीडियो में बॉलिंग के लिए बैटिंग के लिए भी रेटिंग दे सकते हो आप लोग फील्डिंग तो होती नहीं करी अनबोर्ड में हमारी तो बॉलिंग बैटिंग के लिए दे सकते हो आप लोग कुछ इम्प्रूवमेंट्स आते हो तो वो बता सकते हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे लिए जैसे कि हर वीडियोस में आके सानिध्य भाई मेरे लिए कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट का कुछ बताते रहते हैं मुझे उस तरीके से आप लोग आके इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ बता सकते हो कोई नई गेम देखना चाहते हो मेरे चैनल पर मैं खेलूँ तो बता सकते हो बहुत कुछ आप लोग बता सकते हो मुझे आपके कमेंट्स में आपकी राय क्या है मेरे वीडियोज़ के बारे में चैनल के बारे में किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो उसके बारे में आई एम ओपन टू सजेशंस क्योंकि नया चैनल है तो मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों के ओपिनियंस जानूँ मैं आप लोगों की राय जानूँ और उस हिसाब से अगर पॉसिबल हो तो मैं चेंजेस करूँ मेरे चैनल पर मैं चाहता हूँ मैं मेरी फैमिली को हमेशा साथ में लेकर के चलूँ और मेरी फैमिली मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे इसी तरीके से मैं कभी भी यूट्यूब पे आके कभी ये नहीं बोलूँगा सब्सक्राइबर या कुछ मैं हमेशा आप जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए मेरी फैमिली है मेरे भाई है Big edge. Coming into the attack. We'll see the भाई आ गए from the north end. आ गया बोनस ओवर शुरुआत बोनस ओवर की बहुत अच्छे से करनी होती है लेकिन यहाँ पर क्या हुआ ये पता नहीं आइडल शॉट लगाने के बावजूद पावर ही नहीं मिली बॉल को एक ही रन मिला मैं उसको लेग साइड से डालता है मेरे को ऑफ साइड से डालता है ऐसे क्यों करता है ना इंसाफी मेरे को भी डाल लेग साइड से रन मारू अच्छे से थोड़ा मैं एक मेरे को ऑफ साइड से डालते हैं डाल बैठे ऑफ साइड से ऑफ साइड पे चल को खेल ले रहा अच्छे से तो ये लगी पहली बाउंड्री इस ओवर में
फास्टर बॉलर्स के अगेंस्ट में एक रिचुअल हमने बनाया है, फर्स्ट बॉल पे स्क्वायर ड्राइव, और स्पिनर के अगेंस्ट में हमारा रिचुअल है रिवर्स स्वीप, स्पिनर आते रिवर्स स्वीप तो आनी चाहिए। दो बाउंड्री अलग चुके हैं, 10 रन आ चुके हैं चार गेंदों पर अब तक, और पार्टनरशिप बढ़कर चल चुकी है 44 रन तक, जिसमें सिर्फ 2 रन बनाए आर्यन खान ने। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितने रन बना रहे, बिकॉज हमारी पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, वो टूटनी नहीं चाहिए। एक और बाउंड्री मिलेगी क्या इसमें? शायद मिल भाई, ना मिले, 2 रन मिल जाएंगे इजीली, और उस 2 रन के साथ हमारा स्कोर पहुंचते हुए 46 पर टीम का, और हमारा पर्सनल स्कोर पहुंचते हुए 42 पर। आते थे तो आई थिंक मिडल ओवर्स में आते थे तो उनको ज़्यादा रन बनाने पड़ते थे, लेकिन अभी बहुत ईजी हो गया उनके लिए। ओपनिंग में आओ, आराम से खेलो। गया बॉल, निकल गई बॉल बाउंड्री के लिए, और 50 पार्टनरशिप पूरे होते हुए यहाँ पर 5 ओवर के भीतर, 6 ओवर के बीच में हमारे 50 पार्टनरशिप पूरे होते हुए हम पहुंचे 47 पर अब तक। और वाइड बॉल बाउंड्री मिलते हुए हमें, एक कीपर भाग रहा है लेकिन कीपर को पता नहीं वो भाग नहीं पाने वाला। जब भी कॉल आता है मुझे पता होता है वो किसका कॉल होने वाला है, हमेशा एडवर्टाइजिंग कॉल जी आते हैं मुझे, किसी को और किसका कॉल ही नहीं आता कभी इनके साथ में बात कर सकूं ऐसे। इस बीच एक स्क्वायर ड्राइव पे बाउंड्री, और उस बाउंड्री के साथ एक और हाफ टर्न पूरा होते हुए कंटिन्यू करना चाहेंगे, इस हाफ टर्न को टर्न में बदलना पड़ेगा, और खत्म करिए टर्न में बदलने का। टर्न टनाटन हो गया, पहले लोअर डिलीवरी डालिए टकलिया पूम्स ने, तो है तो सस्ता ब्रॉड बॉलिंग एक्शन में, लेकिन देखने से मोइन अली दिखता है क्या हम लोग जीत पाएंगे इस गेम को, वो बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। जीत गए हम लोग इस गेम को, 5 विकेटों से जीते। अजय मलेवू ने 45 मारा, आर्यन खान 8 रन पे आउट हो गए। दिस हैज बीन अ मास्टर क्लास, कौन हो सकता है प्लेयर ऑफ द मैच विद आउट एनी गेस, मैं ये होगा 51 of 22 4 for 29। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अहेड ऑफ द गेम ऑल द वे थ्रू। सायोनारा।